देखो अपना नाम जो है लिखाइए और यहाँ पर धक्का मुक्का मत करिए। किसी चीज का नाम ऑपरेशन है, डॉक्टर कौन से बैठे हैं, उनको ऑपरेशन का मसला होता है, होने उनका ऑपरेशन होने दो। बाकी वालों को 16 तारीख तक है, फिर दूसरा केस फिर होगा 18 से लेकर 22 तारीख तक। उसके बाद हर महीने में एक दो केस लगाया करें। जितना आँख का मसला है सही ऑपरेशन होगा तो फायदा है। जाके अपना तकलीफ करके अगर वो यहाँ करोगे तो आपको नुकसान होगा। हम यही कोशिश करते हैं कि आपका ऑपरेशन क्वालिटी का ऑपरेशन हो और आपको कुछ का फायदा हो सके। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कोऑपरेट करिए। जिन लोगों का नाम पहले लिखा हो आपको मालूम करके आपको सिलेक्ट करना हो सकता है, उनमें से कितने लोग रिजेक्ट भी हो सकते हैं चेक करते हुए। वो बंदा फिट ना हो, उसका आय का पैसा ज्यादा हो, कोई आय में और प्रॉब्लम हो, रिजेक्ट भी हो सकते हैं। चाचा के ना मोहम्मद इकबाल, चाचा हूं मैं दनी चुपके सटे मोहम्मद मोहम्मद लतीफ ये बहुत ली अपना नाम जो है लिखाइए और यहाँ पर धक्का मुक्का मत करिए। किसी चीज का ऑपरेशन है, डॉक्टर कौन से बैठे हैं, उनको ऑपरेशन का मसला होता है, होने उनका ऑपरेशन होने दो। बाकी वालों को 16 तारीख तक है, फिर दूसरा केस फिर होगा 18 से लेकर 22 तारीख तक। उसके बाद हर महीने में एक दो केस लगाया करें। जितना आँख का मसला है सही ऑपरेशन होगा तो फायदा है। जाके अपना तकलीफ करके अगर वो यहाँ करोगे तो आपको नुकसान होगा। हम यही कोशिश करते हैं कि आपका ऑपरेशन क्वालिटी का ऑपरेशन हो और आपको कुछ का फायदा हो सके। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कोऑपरेट करिए। जिन लोगों का नाम पहले लिखा हो आपको मालूम करके आपको सिलेक्ट करना हो सकता है, उनमें से कितने लोग रिजेक्ट भी हो सकते हैं चेक करते हुए। वो बंदा फिट ना हो, उसका आय का प्रेशर ज्यादा हो, कोई आय में और प्रॉब्लम हो, रिजेक्ट भी हो सकते हैं। दूसरे जिला पुंछ में एक स्पेशल कैटराक्ट सर्जरी यहाँ पर है और यहाँ पे बिकॉज ऑप्थाल्मिक सर्जन फुल टाइम नहीं है तो उसके चलते एक स्पेशल टीम डिप्लॉय की गई है फ्रॉम जम्मू हु आर कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑप्थाल्मिक सर्जन ऑल आर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। वी हैव अ वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ कैटराक्ट स्पेशली इन सम ऑफ द रिमोट एरियाज बिकॉज मेनी सच केसेज गो अनडिटेक्टेड फॉर इयर्स लॉन्ग एंड दैट इज वाई द टर्न आउट इज ह्यूज। होपफुली हम इस कैंप में मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग कवर कर पाएंगे। मरसत मनी हूँ, सुपरिटेंडेंट राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सर बताइए जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो आई कैंप लगा है इसके हवाले से। देखिए ये जो मोतियाबिंद वाले लोग हैं, ओल्ड एज में ये मोतियाबिंद बन जाता है आंखों में,
उसके लिए एक कैंप लगाया गया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ इससे पहले जब डॉक्टर भल्ला रिटायर हुए थे उसके बाद 5-6 साल तक कोई सर्जरी नहीं हुई। यूं तो लोग जाके अपने लेवल पर कहीं जल्दी आगे पीछे टेस्ट वेस्ट कराते रहे, अपने ऑपरेशन कराते रहे, लेकिन इसमें बीए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में फर्स्ट टाइम ये कैंप लगाया गया है। जो फर्स्ट कैंप है ये 4 दिन का है, 12 से लेकर 16 तारीख तक। तो इसमें जो डॉक्टर हमने मंगाए हैं, एक डॉक्टर गांधीनगर से आए हैं, एक डॉक्टर हमारे अखनूर से आए हैं और एक हमारे आरएसपुरा से, 3 डॉक्टर आए हैं, स्टाफ है। तो फर्स्ट टाइम हम ये ट्रायल कर रहे थे कि यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करें। इसके बाद सेकंड कैंप जो है गवर्नमेंट ने हमारी डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज ने अरेंज किया है, जो 18 से लेकर 22 तक है। उसमें भी 3 डॉक्टर इसी तरह आएंगे, तो लोगों के जो यहाँ पर मोतियाबिंद के ऑपरेशन है वो किए जाएंगे। इस वक्त लोग जो है काफी तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन आज के दिन भी हमारे पास इस वक्त तक 41 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। उनमें से 16 जो है वो सिलेक्ट करके अभी उनने अंदर ऑपरेशन के लिए तैयार कर लिए हैं। उन 16 का ऑपरेशन होगा, उसके बाद अगला बैच जो सिलेक्ट करेंगे। लोगों से मैं अपील करूंगा कि गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है कि इसके बाद हर महीने में 1-2 कैंप लगाए जाएंगे। तो अफरा तफरी ना करें, कोशिश करेंगे हम सब लोगों को जो कैच फिट होगा मोतियाबिंद का, उन सबको डिस्ट्रिक्ट में जितने लोग भी हैं उनको कवर किया जाए। अभी हमारी फॉर्मेलिटी ऐसी होगी कि ये मोस्टली गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि ये ऑपरेशन थिएटर में ही और ये ऑपरेशन होता है, उसके लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो ऑपरेशन थिएटर है अभी जो नया तैयार हुआ था उसी को हमने चालू किया है। आज फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं, और लोगों से मैं यही कहूँगा कि तमल मुकाम से आराम से आप अपने नाम रजिस्टर करवाएं। हर ब्लॉक में हमारा ऑप्थैल्मिक सर्जन जो है वो मौजूद है, वहाँ पे अपने नाम लिखाइए, ये वहाँ स्क्रूटनाइज करें कि आपका केस मोतियाबिंद के पेशेंट के लिए फिट है। अगर फिट है तो फिर वो वहाँ से जो नियम हजरात है वो वहाँ से उनके पेशेंट को शिफ्ट करेंगे, उनको हम बगदा डेट देंगे आराम से, ताकि लोगों को ऑपरेशन हो सके और लोगों को बगदा ना लगनी पड़े। और बुजुर्ग लोग या ये जो लोग मोतियाबिंद से सफर कर रहे हैं, ये लोग सफर ना हो, हम बेहतर से देख पाए। आज हम पुंछ में आई सर्जरी करने जा रहे हैं। ये पेशेंट्स पहले ही स्क्रीन हो चुके हुए हैं, वो पेशेंट्स आज उनको हमने बुलाया था, आज अब उनके टेस्ट कर रहे हैं हम, और उनको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो पेशेंट फिट होंगे उनका हम ऑपरेट करेंगे। एक दिन में हम कोशिश करेंगे 35-35 पे सर्जरी कर पाए हम। हम कल भी जो पेशेंट आज आए हैं जिनका आज सर्जरी नहीं होगा, उन पेशेंट्स का उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उनको हम कल सर्जरी करने जा रहे हैं। ये कैंप नहीं है जी, हम रेगुलर सर्जरी करने जा रहे हैं। इस बार 2-3 दिन अभी करेंगे, फिर मंडे से हमारी दूसरी टीम आ जाएगी, वो भी 2-3 दिन सर्जरी करेगी। ये तो हाई कमांड ही डिसाइड करेगा, पर जब हम अभी इस महीने में हम 2 बार सर्जरी करने आ रहे हैं, 2 टीमें आएंगे।